रीस्ट्रक्चरिंग का प्रोविजन बनता है। तो सबसे पहले तो बात की जाए कि रीस्ट्रक्चरिंग होती क्या है। रीस्ट्रक्चरिंग की कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दी गई। पहली एग्जांपल सेल ऑफ बिजनेस, सेल ऑफ अ लाइन ऑफ अ बिजनेस, या टर्मिनेशन ऑफ अ लाइन ऑफ अ बिजनेस। किसी डिपार्टमेंट को क्लोज कर देना, किसी डिपार्टमेंट को शट डाउन कर देना। क्लोजर ऑफ बिजनेस लोकेशन इन अ कंट्री, किसी कंट्री में कोई बिजनेस लोकेशन बंद कर देना, किसी रीजन में किसी एक्टिविटीज को बंद कर देना। मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर चेंज कर देना, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस करना। फंडामेंटल रीऑर्गेनाइजेशन करना, यानी कि कंपनी का जो नेचर ऑफ द बिजनेस है या उसका जो फोकस है वो चेंज कर देना। ये कुछ रीस्ट्रक्चरिंग की एग्जाम्पल। अच्छा, रीस्ट्रक्चरिंग का जब आप प्रोविजन बनाएंगे ना, तो प्रोविजन की डेफिनेशन, क्राइटेरिया और सब कुछ वही है जो मीट होना चाहिए। एडिशनल चीज़ें क्या हैं? एडिशनल चीज़ें ये हैं कि रीस्ट्रक्चरिंग का प्रोविजन जब हम बनाते हैं ना, तो रीस्ट्रक्चरिंग कोई लीगल ऑब्लिगेशन तो होती नहीं है। अब हमने पढ़ा था कि या तो प्रोविजन लीगल ऑब्लिगेशन के लिए बनता है या कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन के लिए बनता है। तो रीस्ट्रक्चरिंग तो कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन ही हो सकती है। सो अ कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन टू रीस्ट्रक्चर अराइजेज ओनली व्हेन एन एंटिटी। अब रीस्ट्रक्चरिंग करना कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन कब बनेगा? जब ऑर्गेनाइजेशन के पास एक डिटेल्ड फॉर्मल प्लान हो रीस्ट्रक्चरिंग का, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने फॉर्मल प्लान बना लिया हो कि हम रीस्ट्रक्चरिंग करेंगे, और उसके अंदर एटलीस्ट हमने क्या किया हो, आइडेंटिफाई किया हो बिजनेस और पार्ट ऑफ द बिजनेस जिसके बारे में रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है, प्रिंसिपल लोकेशन, लोकेशन फंक्शन, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हु विल बी कंपनसेटेड फॉर टर्मिनेटिंग देयर सर्विसेज, एक्सपेंडिचर कितना लगेगा, व्हेन द प्लान विल बी इम्प्लीमेंटेड। यानी कि अगर ये मेजोरिटी ये चीजें हो जाएं तो हम कहेंगे कि भाई फॉर्मल प्लान जो है वो बन चुका है। सिर्फ फॉर्मल प्लान बनना काफी नहीं है, आपने एक वैलिड एक्सपेक्टेशन क्रिएट की हो उन लोगों पर जो उस रीस्ट्रक्चरिंग से अफेक्ट होंगे। और वो वैलिड एक्सपेक्टेशन कैसे क्रिएट होगी? बाय स्टार्टिंग टू इम्प्लीमेंट दैट प्लान और अनाउंसिंग इट्स मेन फीचर टू दोज अफेक्टेड बाय इट। या तो जैसे अब फॉर एग्जाम्पल एक डिपार्टमेंट हमने सेल करने का प्लान बनाया, तो इम्प्लीमेंट करने का मतलब हमने बायर ढूंढना शुरू कर दिया, या जो पार्टीज उससे अफेक्टेड होंगी जैसे एम्प्लॉयज वगैरह, तो आपने अनाउंस कर दिया कि भाई हम इस डिपार्टमेंट को शट डाउन करने वाले हैं, अब आप लोग अपना बंदोबस्त कर लें। तो दो चीजें हो गई, डिटेल फॉर्मल प्लान और उसकी पब्लिक अनाउंसमेंट। ये मेन कंडीशन है रीस्ट्रक्चरिंग की। अच्छा, एविडेंस दैट एन एंटिटी हैज स्टार्टेड टू इम्प्लीमेंट रीस्ट्रक्चरिंग प्लान वुड बी प्रोवाइडेड। एविडेंस प्रोवाइड करना पड़ेगा, फॉर एग्जाम्पल बाय डिसमेंटलिंग प्लांट और सेलिंग एसेट, और बाय दी पब्लिक अनाउंसमेंट ऑफ द मेन फीचर ऑफ द प्लान। अ पब्लिक अनाउंसमेंट कॉन्स्टिट्यूट अ कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन टू रीस्ट्रक्चर ओनली इफ इट इज मेड इन सच अ वे एंड इन सफिशियंट डिटेल दैट इट गिव राइज टू अ वैलिड एक्सपेक्टेशन इन अदर पार्टीज सच एज कस्टमर, सप्लायर, एम्प्लॉयज और देयर रिप्रेजेंटेटिव्स दैट द एंटिटी विल कैरी आउट द रीस्ट्रक्चरिंग। तो अगर आपके पार्ट पर कोई वैलिड एक्सपेक्टेशन क्रिएट होने में कोई डाउट होगा ना, तो फिर वो रीस्ट्रक्चरिंग का प्रोविजन नहीं बन सकता। अ मैनेजमेंट और बोर्ड डिसीजन टू रीस्ट्रक्चर टेकन बिफोर द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड डज नॉट गिव राइज टू अ कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड अनलेस द एंटिटी हैज बिफोर द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड स्टार्टेड टू इम्प्लीमेंट द प्लान और अनाउंस द मेन फीचर टू दोज अफेक्टेड। यानी कि सिर्फ प्लान बनाना काफी नहीं है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन और उसकी अनाउंसमेंट भी जरूरी है। अब यहाँ पर IS-10 के साथ ये मिल रहा है थोड़ा सा। इफ एन एंटिटी स्टार्ट्स टू इम्प्लीमेंट अ रीस्ट्रक्चरिंग प्लान और अनाउंस इट्स मेन फीचर ओनली आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, यानी कि दिसंबर गुजर गया, तो अब इसको एडजस्ट नहीं करेंगे, डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड अंडर IS-10, यानी कि ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट होगा। तो पता ये चला के फॉर्मल प्लान और उसकी इम्प्लीमेंटेशन या अनाउंसमेंट 31 दिसंबर तक हो जानी चाहिए, वरना रीस्ट्रक्चरिंग का प्रोविजन नहीं बना सकते।
राइट। अच्छा, बाज दफा क्या होता है कि मैनेजमेंट डिसीजन से कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन नहीं आती, बल्कि आप इम्प्लॉय रिप्रेजेंटेटिव से बात करते हैं कि हम इतने इम्प्लॉयज निकालेंगे, उनको ऑल्टरनेटिव जॉब्स देंगे, ठीक है, तो उसके बाद जब वो अप्रूवल वगैरह सारा हो जाता है तो कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन बनती है। इसी तरीके से हर कंट्री का जो ना वो अलग अलग रूल होता है। अच्छा, अगर रीस्ट्रक्चरिंग में सेल ऑफ बिजनेस यूनिट होगा तो कोई ऑब्लिगेशन अराइज नहीं होगी जब तक एंटिटी ने कोई बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट ना कर लिया। यानी कि रीस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन की जो कंडीशन हमने डिस्कस की थी वो तो जर्नल है, अगर सेल एग्रीमेंट जब तक नहीं होगा तो रीस्ट्रक्चरिंग का प्रोविजन नहीं बनेगा। अगर किसी एंटिटी ने ये डिसाइड कर लिया कि भाई हम सेल कर देंगे और पब्लिकली अनाउंस भी कर दिया, लेकिन अगर कमिटमेंट नहीं की तो एंटिटी बैकआउट भी तो कर सकती। तो एंटिटी का अगर चेंज ऑफ माइंड हो गया तो इसका मतलब ये हुआ कि वो तो ऑब्लिगेशन क्रिएट ही नहीं हुई, लेकिन अगर बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट हो गया तो इसका मतलब है ऑब्लिगेशन क्रिएट हो गई और अब आप प्रोविजन बना सकते। ये तो थी कुछ शर्तें। अब जो भी प्रोविजन बनाया जाएगा उसके अंदर एक्सपेंडिचर कौन सा लिया जाएगा, कितना अमाउंट का प्रोविजन बनाया जाएगा, तो वो अमाउंट लिया जाएगा जो कि रीस्ट्रक्चरिंग की वजह से इनकर्ड हो रहा है। यानी कि रीस्ट्रक्चरिंग नहीं होती तो नहीं होता, होती तो होता, और ऑनगोइंग एक्टिविटीज से कनेक्टेड नहीं होना चाहिए। अब ऑनगोइंग की कुछ एग्जांपल दी हुई कि रीस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन के अंदर ये चीजें नहीं आएंगी, स्टाफ को रीट्रेनिंग देनी हो क्योंकि ये ऑनगोइंग मामला है, स्टाफ को मूव करना ये भी ऑनगोइंग मामला है, मार्केटिंग करनी हो ये भी ऑनगोइंग मामला है, नई इन्वेस्टमेंट करनी हो ये भी ऑनगोइंग मामला है। दीज एक्सपेंडिचर रिलेट्स टू द फ्यूचर कंडक्ट ऑफ द बिजनेस एंड आर नॉट लाइबिलिटीज फॉर रीस्ट्रक्चरिंग। तो ये एक्सपेंडिचर के बारे में कुछ बातें हो गई। अब रीस्ट्रक्चरिंग के प्रोविजन जब हम बनाएंगे, सारी कंडीशन मीट हो गई, तो सिंपल सी एंट्री पास होगी, एक्सपेंस डेबिट कर देंगे और प्रोविजन फॉर रीस्ट्रक्चरिंग क्रेडिट कर देंगे। ये एंट्री बन के मामला यहाँ पे खत्म हो जाएगा।